ये देखिए भाई, भगवत गीता है ये, और अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब एक देश में, दो देश में नहीं, कई सारे देशों में ये, मतलब उनकी अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई है। ये देखिए दानिश है, सिंगल्स है, ये सब देख लीजिए, आप खुद देखिए। उर्दू पाकिस्तान की तक में भी लिखी गई है लैंग्वेज भगवत गीता, देखिए। हाँ, कृष्ण जी और राम जी दोनों का मेल सम्मिलन है, कैसे। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल हम आपको दिखाते हैं भाई। यहाँ पे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है। तो आपको अगर देखते हैं, अगर किसी फॉरेनर से भी बातचीत होती है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पे कहते हैं फॉरेनर्स ही मतलब भजन कीर्तन करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं भाई, क्या बोलते हैं ये इस्कॉन टेम्पल देखते हैं। और भाई बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप सच में आते किन नहीं मानेंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मंदिर। ये इस्कॉन टेम्पल मंदिर, और हम लोग इस्कॉन टेम्पल मंदिर में आ चुके हैं। कपड़े, ये देखिए भाई, हम लोग इस्कॉन टेम्पल पे आ चुके हैं, अंदर मंदिर के अंदर आ चुके हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, खूबसूरत है। और भैया मार्बल से बना हुआ मंदिर मुझे लग रहा है, और उसी सब मार्बल से बना हुआ है मंदिर, देखिए। भाई अंदर ना भजन चल रहा है, तो चलिए भाई जल्दी से चलते भजन आपको दिखाते हैं। भाई बहुत प्यारा व्यू है। टेम्पल में है, ठीक है। और आपको ये भजन कैसा लगा, जो अभी मैंने आपको भजन दिखाया, भाई बहुत ही सॉलिड भजन था, मतलब कि ऐसे फॉरेनर्स गा रहे थे। और वैसे भी आप सभी जानते हैं फॉरेनर्स इस्कॉन टेम्पल और कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और ये हमें भी अच्छा लगता है कि मतलब यहाँ के मतलब कल्चर बाहर के देश के लोग, यहाँ का कल्चर जो है, मतलब यहाँ के जो कल्चर है बाहर के देश के लोग भी इसे फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे तो भाई पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये भजन कैसा लगा, आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। यह इस्कॉन टेम्पल आप फिर से देख लीजिए भाई, और मतलब इस मंदिर को देखने के बाद भाई मतलब रहा ही नहीं जा रहा, उसे बहुत ज़्यादा प्यारा है मंदिर। ये म्यूजियम है, ईश्वर महादेव। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना ज़्यादा मुझे ये रियलिटी लगा ना, कि मुझे ऐसा लगा कि भाई ये सच में बैठे हैं। और एक ये भाई बहुत ज़्यादा रियलिटी मुझे लगी, ये देखिए आप। हाँ, कृष्ण जी और राम जी दोनों का मेल सम्मिलन है, कह सकते हैं। बिल्कुल यार, सम्मिलन तो ही है, विष्णु जी के अवतार ही हैं। ये देखिए ऊपर से भाई बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है।
से यार आपको इस्कॉन टेम्पल कैसा लग रहा है यार, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइए भाई। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब इतना ज़्यादा सुकून है ना यार, यहाँ पे कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो चलिए आपको पूरा इस्कॉन टेम्पल एक बार और अच्छा दिखाते हैं, ठीक है। नीचे भजन हो रहा है, नीचे भी भजन जो कर रहे हैं फॉरेनर्स ही भजन कर रहे हैं, मतलब इंडियंस कोई नहीं है इसमें। ये भी बहुत अच्छा चीज़, ये बहुत एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है यार, सीरियसली यार। अगर आपको मतलब दिख रहा है तो भाई दिख रहा है, अच्छी चीज़ है, वरना कोई बात नहीं, मैं नीचे भी जाऊँगा, नीचे भजन दिखाऊँगा ज़रूर एक बार। फाइनली भाई इस्कॉन टेम्पल से बाहर जा रहे हैं, आपको मंदिर कैसा लगा, इस्कॉन टेम्पल कैसा लगा एक बार आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमें भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, मतलब यहाँ पे जो फॉरनर से भाई मतलब मज़ा ही आ गया यार, क्योंकि यार मतलब फॉरनर से मतलब इतना ज़्यादा मानते हैं कृष्ण जी को, मतलब अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा लगा हमें ये सब चीज़ देख के। तो चलिए भाई हम लोग निकलते हैं इस्कॉन टेम्पल से बाहर, और आप जो भी हो जैसा भी लगा आप एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये देखिए भाई भगवद गीता है ये, और अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब एक देश में, दो देश में नहीं, कई सारे देशों में ये मतलब उनकी अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई है। ये देखिए दानिश है, सिंगल्स है, ये सब देख लीजिए आप, खुद देखिए। उर्दू पाकिस्तान की तक में भी लिखी गई है लैंग्वेज भगवद गीता, देखिए। यूक्रेनियन में है, सिंधी में है, फ्रेंच में है, आप देखिए। मतलब आप देखेंगे ना भाई, ये मतलब हर चाइनीज लैंग्वेज में भी, ये देखिए भाई मतलब हर एक लैंग्वेज में लिखी गई लगभग। तो चलिए भाई अब निकल रहे हैं इस्कॉन टेम्पल से बाहर, फाइनली निकला भाई इस्कॉन टेम्पल से बाहर। और भाई